स्वागत है आप सबका दोस्तों मेरे हैप्पी गार्डन में। मैं आज आपसे इससे एमरास लिली के प्लांट के बारे में बात करूंगी। जो ये देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ये मेरे जो है बल्ब, मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए इसको मैंने पॉलीथीन में रख दिए थे। ये देखिए, और पॉलीथीन से मैंने इसको निकाला था तो मैं इसको रिपोर्टिंग नहीं कर पाई थी। तो इसमें ये देखिए बारिश की वजह से इसमें भी ये घासें, ये सब वीड्स वगैरह निकल आई हैं। तो आज मैं इसको बल्ब लगाऊंगी और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है, सिर्फ एक पॉलीथीन में रखे थे। और इसके बहुत जल्दी बल्ब बड़े बड़े थे साइज के, अभी मैंने गिफ्ट करने के लिए लगाया था, किसी को देने के लिए पॉलीथीन में रखा था, तो मैं वो आ नहीं पाए थे तो मैंने उनको नहीं दिया था, तो इस कारण ये रखे रह गए। और उसकी वजह से ये देखिए, अब इसको जो है एक एक बल्ब भी आप लगा देंगे तो ये बल्ब से कई ग्रो हो जाता है, मल्टीपल प्लस हो जाता है। एक बल्ब लगाएंगे तो उससे कई पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितने ढेर सारे बने हुए हैं। अब इनको मैं सोच रही हूँ इस गमले में मैं रिपोर्ट कर दूँ। एक मिनट मैं कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़े पॉट की ये सॉइल मैंने, ये मिक्स है, सब खादर मिली हुई है, तो इसमें मैं कुछ अभी नहीं डालूँगी क्योंकि बरसात का भी मौसम है, मिट्टी भी मॉइस्ट है। अब चाहें तो आप ऐसे, ये देखिए रूट्स देखिए, ऐसे अलग अलग करके भी आप लगा सकते हैं। मैं इनको ऐसे ही इसमें रख दे रही हूँ क्योंकि इसमें पहले से ही मिट्टी है काफ़ी सारे बल्ब। और इसके भी देखिए, एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, इससे आप कई प्लांट बना सकते हैं। ये ठंडक में भी परमानेंट बना रहता है, इसकी लीव्स भी देखने में सुंदर लगती हैं। और इसमें कम पानी की भी ज़रूरत रहती है इसमें, क्योंकि बल्ब है, ये अंदर से पानी जो है सोखते हैं बल्ब, तो इसमें कम पानी भी देंगे, दो दिन तीन दिन पानी नहीं भी दिया तो ये चल जाएंगे। और जाड़े में थोड़ी सी इनकी लीव्स डल हो जाएगी, फिर इसमें नई लीव्स निकलने लगती, जहाँ बाहर का मौसम आता है जनवरी फरवरी में इनकी ग्रोथ होने लगती है। और इसमें काफ़ी अच्छे डबल पेटल में गुच्छों में फूल खिलते हैं। और जैसे जैसे इसमें फूल, एक फूल भी खिलेगा तो ये जो है 5-6 दिन रहते हैं। और ऊपर से ये हल्की हल्की सी मैं सॉइल भर दूंगी। ये कई दिनों से रखा हुआ था, मैं मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था जो मैं इसको लगा सकूं। और इसमें बस समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आप देते रहिए, ये प्लांट आपके पास हमेशा हमेशा ये बना रहेगा। मेरा ये बहुत सालों पुराना है, मैंने ये एकदम डेड हो चुका था और मैंने इसके बल्ब भी मैंने नहीं लगाए थे, तो ये जो है इसके बल्ब, एक काफ़ी बड़ा पॉट था मेरे पास तो उसके नीचे ये दबे हुए थे, मैंने रख दिए थे। फिर जब मैंने खाली किया वो पॉट तो देखा बल्ब, तो फिर मैंने फिर से इसको ग्रो किया, ग्रो हो गए। इसके बल्ब भी बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बनते हैं, इससे आप कई पौधे तैयार कर सकती हैं। ओके दोस्तों, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।